नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट RPBT का एग्ज़ाम कल हो गया है और एग्ज़ाम नॉर्मली रहा है। काफ़ी स्टूडेंट इसको टफ बता रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट इसको एवरेज, काफ़ी स्टूडेंट इजी। देखो, हर स्टूडेंट की तैयारी अलग अलग होती है, उसका देखने का तरीका अलग अलग होता है। लेकिन काफ़ी स्टूडेंटों को कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स आ रही है कि सर, इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं, ये होना चाहिए था, इस क्वेश्चन के दो आंसर होने चाहिए थे, इस क्वेश्चन में बोनस होना चाहिए था। इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हर एग्ज़ाम पेपर में आती हैं और इस पेपर में भी आना लाजमी बात है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि RPBT ने एक नोटिस दे रखा है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उस क्वेश्चन पे आप उंगली उठा सकते हो और उस पे आप अपना जो अलग आंसर लग रहा है या फिर अपना ओपिनियन वो दे सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको जो समय वो आज 20 सितंबर शाम को 5 बजे से पहले पहले आप अपने लेवल पर कोई भी कार्यवाही कर सकते हो, उनके लिए मेल कर सकते हो, उनके लिए जो भी आपसे हो सके। अगर आपको 5 बजे बाद फिर आपकी किसी भी तरीके की सुनवाई नहीं होगी और 23 सितंबर को आपकी आंसर की जारी कर दी जाएगी। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, ये हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है, इस क्वेश्चन का पैटर्न अलग है, जहाँ आपको लग रहा है, क्योंकि हर आदमी का सोचना अपने अपने लेवल पर अलग होता है। क्या पता आप सोच रहे हो, जरूरी नहीं वो आंसर सही भी हो, हो सकता है जो ऑटोमेटिक करेक्ट हो आप उसको गलत लेवल से सोच रहे हो। लेकिन आपको पूरा स्वतंत्रता का अधिकार है, आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, उनके लिए मेल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये आपत्ति है, वो उस पर विचार करेंगे। अगर उनको रियल में लगा कि जो आपने कहा है वो सही है तो उसके ऑप्शन को चेंज किया जाएगा, उसकी आंसर की को चेंज किया जाएगा, उसमें बोनस दिया जाएगा। तो आप ज़्यादा वेट ना करें, अभी आपके पास बहुत कम समय बचा है, 3 से 4 घंटे बचें, तो आप अपने लेवल पर कर सकते हैं, किसी ई मित्र के द्वारा या फिर अपने एंड्रॉयड फ़ोन के द्वारा आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसा पेपर रहा, पेपर का स्टैंडर्ड क्या रहा, क्या कट ऑफ जाने की संभावना, लास्ट ईयर क्या कट ऑफ थी, पूरा अपन एनालिसिस करेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि काउंसलिंग के अभाव में या फिर किसी आदमी को नॉलेज नहीं है काउंसलिंग के, उसके अभाव में उससे कोई भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको आगे से आगे बताया जाएगा कि अब आपको ये करना है, ये नहीं करना। इसके अलावा स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें RPBT के लगभग 125 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। अगर आप भी उसमें जुड़ना चाहते हो और शब्द का फायदा उठाना चाहते हो तो आप RPBT अपना नाम और कहां के रहने वाले हो ये व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली काउंसलिंग की, चाहे वो RPBT की हो, चाहे फिर वो नीट की हो, चाहे किसी भी स्टेट की हो, आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।